हमारे बिजी शेड्यूल में आजकल वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफिस से टायर्ड होके हम लोग घर में आते हैं, फिर किचन में भी वक्त बिताना बहुत मुश्किल लगता है। ऊपर से गर्मियां भी बहुत हैं। सो वी कैन ऑप्ट फॉर समथिंग इजी एंड टेस्टी रेसिपी और बंगाली माछेर छाड़ा थाकते पारबे ना। सो लेट्स गेट इनटू दिस रेसिपी व्हिच इज इजी टू मेक एंड डिलीशियस टू ईट। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेनली दो चीजें चाहिए, एक है मस्टर्ड पाउडर और दूसरा है बिग रुई किंबा कातला माछ। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि मस्टर्ड पाउडर से खाना कड़वा हो जाता है। यहाँ मेरा टिप काम में आएगा। मस्टर्ड पाउडर को आप लोग 10 मिनट्स के लिए नमक और पानी के साथ भिगो के रखिए और उसको ढक के रखिएगा, एंड देन यू कैन स्ट्रेन इट एंड यूज इट। हम लोग स्ट्रेन क्यों करते हैं? स्ट्रेन करने से अगर भी उसका कोई कड़वापन होगा वो चला जाता है। मैं यहाँ पर खट्टा दही यूज कर रही हूँ ताकि इस खाने को थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर मिले। आप चाहे तो यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब मैं यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ और ये एकदम मस्ट है क्योंकि इससे एक पंजन सी आएगा खाने में। जैसे मैंने बोला था कि ये रेसिपी बहुत ही इजी है, आपका 70% काम तो यहीं पर खत्म हो गया कुकिंग का। अब आपको एक टिफिन बॉक्स लेना है और उसमें सारी चीजों को डाल देना है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने कहीं भी नमक ऐड नहीं किया है, पर मैंने फिश को मैरिनेट करने के समय और मस्टर्ड पाउडर में ऑलरेडी नमक दे दिया है, इसलिए मैं कहीं भी नमक एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रही हूँ। एलो जी, आपका नेक्स्ट 20% काम भी खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोग हरी मिर्च दे चुके हैं, अब करते हैं टिफिन बॉक्स को बंद। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि एक स्टीम क्रिएट हो, लेकिन किसी भी तरह पानी जो है वो टिफिन बॉक्स के अंदर ना घुसे। आपको याद रखना होगा कि टिफिन बॉक्स से पानी का लेवल नीचे होना चाहिए। अब करते हैं प्रेशर कुकर को बंद और याद करके सीटी को निकाल दीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग कर लेंगे कुक स्लो से मीडियम फ्लेम के अंदर और आपका काम खत्म। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है तो क्या करें, आप गिल्टी प्लेजर के बाकी सारे वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिए। 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टाइम दीजिए। अब थोड़ा प्यार से इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। आहा, क्या कलर आया है। मस्टर्ड पाउडर, ग्रीन चिली और मस्टर्ड ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक अलग ही अरोमा क्रिएट कर रहा है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अब चलिए इसको हम लोग सर्व करते हैं गौरम भात एंड कातला भापा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रेसिपी बहुत ही इजी है, सो प्रिपरेशन टाइम से लेके कुकिंग टाइम सिर्फ 30 मिनट्स लगा है। सो बैचलर्स, वर्किंग वुमेन एंड इवन हाउसवाइफ कैन एंजॉय दिस डेलिकेसी विदाउट एनी एफर्ट एंड कैन एंजॉय देयर लीजर टाइम। So quickly go to the kitchen, try this recipe and do comment me below.